हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। जो चैप्टर 2 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो है हमारे सेक्शन 6 से लेकर 25A तक कवर होते हैं। तो जो चैप्टर 2 है उसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ये जो है चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीआरपीसी को अगर आपने प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। मतलब इस चैप्टर में ये बता रखा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कितने तरह के होते हैं। कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो उसका ट्रायल कहाँ पर चलता है? उसका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है। कोई भी पर्सन अगर आईपीसी में दिया हुआ ऑफेंस कमिट करता है या फिर कोई स्पेशल लॉ में दिया हुआ ऑफेंस कमिट करता है, जैसे कि एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो एक्ट है उसमें दिया हुआ ऑफेंस कमिट करता है। फिर पॉक्सो एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस, उसमें अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसका ट्रायल कहाँ पर चलता है? उसका जो ट्रायल है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है। एंड उन्हीं क्रिमिनल कोर्ट्स की यहाँ पर इस चैप्टर में बात की गई है कि कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उनके। इसके अलावा जो इस चैप्टर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया हुआ है, पीपी, एडिशनल पीपी के बारे में और असिस्टेंट पीपी के बारे में बताया हुआ है, जो कि सेक्शन 24, 25 एंड 25A में बात जिसकी की गई है। एंड वन मोर थिंग, जो ये चैप्टर है ये जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस के लिए काफ़ी रेयरली ही क्वेश्चन आएगा, पर प्री के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि सेक्शन 20 क्या कहता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। सेक्शन 11 की हेडिंग क्या है ये पूछ लेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 की हेडिंग है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ये डायरेक्ट कह रहा है इसका कि बिसाइड दी हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। बिसाइड दी हाई कोर्ट, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, बिसाइड का मतलब छोड़कर, हाई कोर्ट को छोड़कर और उन कोर्ट्स को छोड़कर जो कि किसी और लॉ में कंस्टिट्यूट किए गए हैं। हर एक स्टेट में ये सब क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। अब यहाँ पर छोड़कर का मतलब ये नहीं कि ये नहीं होंगे, मतलब ये तो होंगे ही होंगे। हाई कोर्ट भी होगा और कोई और लॉ में जो कोर्ट कंस्टिट्यूट किए गए हैं वो भी होंगे। जो ये कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ कौन से हैं, जो अदर लॉ में कंस्टिट्यूट होते हैं वो कौन से हैं, अभी हमने डिस्कस करा एनडीपीएस, पॉक्सो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। इन लॉज के अंदर अलग से कोर्ट कंस्टिट्यूट किए जाते हैं जिनकी पावर इक्विवेलेंट होती है सेशन कोर्ट से। वो भी आएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स में, साथ के साथ हाई कोर्ट भी आएगा हर एक स्टेट में। तो दोबारा डायरेक्ट लैंग्वेज पे आते हुए ये क्या कह रहा है डायरेक्ट सेक्शन 6 कि हाई कोर्ट को छोड़कर और किसी और लॉ में जो कंस्टिट्यूट हैं कोर्ट्स उनको छोड़कर हर एक स्टेट में, मतलब ये तो है ही हैं, इनके साथ और कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे? फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन, सेकेंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपोलिटन एरिया मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो हर एक स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन भी होंगे, सेकेंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं उनके भी कोर्ट्स होंगे, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो महानगर है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होंगे। सेक्शन 8 में बताया हुआ है कि जो भी टाउन, जो भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से 10 लाख से ऊपर चली जाए उसको स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो टाउन या फिर सिटी है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी कोर्ट्स होते हैं उनको कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है, जो उनमें मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के कोर्ट्स होंगे एंड फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होंगे। तो यहाँ जो है सारी डिविजन्स नहीं दे रखी, सेक्शन 6 में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, पर मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप समझ लीजिए, आपको सबऑर्डिनेशन के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से कोर्ट में कौन सा जज होता है एंड कौन सा जज किसके ऊपर होता है, किस जज की पावर ऊपर होती है, किसकी नीचे होती है। ये चार्ट देखिए आप। तो सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट सबसे सुप्रीम पावर रखता है। फिर उसके नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, हर एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक बात बोली कि हर एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है, मतलब जहाँ भी सेशन डिवीज़न होगा वहाँ पे एक सेशन कोर्ट होगा। अभी सेशन डिवीज़न क्या है? सेशन डिवीज़न या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा, एक जिला होगा, या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, एक महानगर होगा। कुछ एरिया जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन से हैं? बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, जयपुर हो गया। तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन में जो सबसे ऊपर किसकी पावर होती है? सेशन जज की, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए आप, जो सेशन जज है जब वो सिविल केसेस देखेगा तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, एंड जब वो क्रिमिनल केसेस देखेगा तब उसको सेशन जज बोला जाता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में फर्स्ट सबसे ऊपर सेशन जज, उससे नीचे एडिशनल सेशन जज, उससे नीचे असिस्टेंट सेशन जज, फिर कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे आती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो हैं उनको किसी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाता है, एंड कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसमें कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर किसकी पावर होगी? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। फिर सीजीएम से नीचे कौन होगा? एडिशनल सीजीएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन दोनों की पावर वैसे तो सेम ही होती है, पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम ही होती है। फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल ए सीजीएम से नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिनको हम जेएमआईसी बोलते हैं। फिर जेएमआईसी से नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये डिस्ट्रिक्ट में हमने बात करी। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में सबसे ऊपर जो होता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर पावर वहाँ पर उस कोर्ट में किसकी होती है? सबसे ऊपर होती है सीएमएम, मतलब कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। फिर सीएमएम से नीचे एसीएमएम, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद उससे नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड यहाँ पर भी सेम ही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीएमएम जो होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो एक ही होगा, एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी एक से ज़्यादा ही होते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में वहाँ कंस्टिट्यूट किया जाता है, जहाँ जहाँ स्पेशल कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ उनका कंस्टिट्यूशन जरूरी होता है। उसके प्रोविजन सेक्शन 13 एंड सेक्शन 18 में दिए हुए हैं। फोर्थ नंबर पे जो सेक्शन 6 में बता रखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी कोर्ट होती हैं। काफ़ी सारे सेक्शंस है सीआरपीसी में जहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के वर्क को लेकर प्रोविजंस है, जैसे कि सेक्शन 107, 108, 109। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं मोस्टली आईएएस होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी आईएएस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। तो हमने चार्ट देखा, इसके जरिए मैं मानूंगा कि आपको समझ आ चुका होगा कि कौन किससे सुपीरियर होता है, कौन किससे, कौन सा जज या फिर कौन सा मजिस्ट्रेट किससे सबॉर्डिनेट होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 7 जो कि बात करता है टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में। देखिए इसका जो सबसेक्शन 1 है इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सबसेक्शन 1 को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल ईजी है वैसे तो ये। देखिए अभी हमने देखा कि जो भी सेशन डिवीज़न होता है वहाँ पर एक सेशन कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। आप जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में देख सकते हैं, लिख रखा है कि सेशन कोर्ट एस्टैब्लिश होगा हर एक सेशन डिवीज़न के लिए। ठीक है, जो सेशन डिवीज़न होगी उसके लिए सेशन कोर्ट एस्टैब्लिश होगा। अब जो सेक्शन 7 है इसके प्रोवाइडेड एक्ट में लिख रखा है कि एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी ए सेपरेट सेशन डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। तो हर मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सेशन डिवीज़न होगा, मतलब हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हर एक महानगर है ना उसमें एक सेशन कोर्ट होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी क्या एक सेशन कोर्ट होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो बोल दिया कि होगा, सेशन डिवीज़न होगा तो सेशन कोर्ट तो होगा ही। अब ये क्वेश्चन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी सेशन कोर्ट होगा या फिर नहीं होगा? वही जो है सबसेक्शन 1 बताता है कि ये कह रहा है कि एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीज़न, हर स्टेट जो है वो एक सेशन डिवीज़न होगा, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, या फिर उस स्टेट में कई सारे सेशन डिवीज़न होंगे। एंड होता भी ऐसे ही है कि एक स्टेट में बहुत सारे जगह सेशन कोर्ट होते हैं, तो एवरी स्टेट कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे लिख रखा है कि एंड एवरी सेशन डिवीज़न शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहा है कि हर सेशन डिवीज़न या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर हर सेशन डिवीज़न में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगे। ये सिंपली कह रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है या फिर कई डिस्ट्रिक्ट्स का एक भी सेशन कोर्ट हो सकता है। तो इसमें कह दिया ना कि एवरी सेशन डिवीज़न बी ए डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर एवरी सेशन डिवीज़न शैल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक सेशन डिवीज़न वो जहाँ पर सेशन कोर्ट होगा। सेशन कोर्ट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं जहाँ पर एक सेशन कोर्ट हो, एंड उसके नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का 90 to 95% हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट होता है। जैसे कि आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट और 75 ही सेशन कोर्ट है, मतलब 75 की 75 डिस्ट्रिक्ट एक सेशन डिवीज़न है। पर एक हरियाणा का एग्जांपल देखिए आप, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं पर 21 सेशन कोर्ट है। इसका मतलब कि 22 डिस्ट्रिक्ट 21 सेशन कोर्ट, मतलब कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेशन डिवीज़न नहीं है क्योंकि वहाँ पर सेशन कोर्ट ही नहीं है। तो उसका सेशन कोर्ट कहाँ पे है? किसी और डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का सेशन कोर्ट है। तो यही सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कह रहा है। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद अल्टर कर सकती है, फेरबदल कर सकती है उस डिवीज़न या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन, हाई कोर्ट से सलाह लेकर किसी डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है। ऐसे कई जगह होता है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में होता है जो कि सब डिवीज़न, जो कि तहसील में आगे डिवाइड होते हैं, एंड उन जो सब डिवीज़न के नंबर को भी अल्टर कर सकती है कि पहले 2 सब डिवीज़न बना दिए, फिर 3 बना दिए, 4 बना दिए, उससे कम भी कर दिया, फिर ज़्यादा भी कर दिया, वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, जो भी सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीज़न है जो इस कोड के कमेंसमेंट के टाइम पर थे। इस कोड का कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 सेक्शन 1 में लिख रखा है। तो उस डेट से जो भी सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीज़न एग्जिस्ट करते थे वो इस सेक्शन के अंदर मान लिए जाएंगे कि वो फॉर्म हो चुके हैं। ये सेक्शन 7 था। आ गया सेक्शन 8। नेक्स्ट जो है सेक्शन 8 जो कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटी या फिर टाउन को डिक्लेयर कर सकती है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर चली जाती है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर चली जाती है, उस सिटी या फिर टाउन को स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। ओके, इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, मतलब कि इस कोड की शुरुआत से ही जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद जो है उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया ही माना जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, अल्टर कर सकती, मतलब बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और फेर बदल कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स में, मतलब कि वो जो एरियाज हैं उनकी बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकती है। बट दी रिडक्शन और अल्ट्रेशन पर जो उसका टेरिटरी रिड्यूस की जा रही है, फिर बदल किया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी में, वो इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए 1 मिलियन से। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम कर दी जाए, तब जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी को कम नहीं कर सकती। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 कह रहा है कि वेयर आफ्टर द एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर और डीम टू बी डिक्लेयर टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई बाद में, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा, इट सीज टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है नोटिफिकेशन के जरिए। तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे नहीं रहा? उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई इसलिए नहीं रहा। वो पॉपुलेशन कम कैसे हो सकती है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने अल्ट्रेशन करी है तब पॉपुलेशन कम हुई है, यहाँ पर वैसे बोला गया है। वहाँ पर रीजंस क्या हो सकते हैं? एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है रीज़न, भाई अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आई, उसकी वजह से अगर पॉपुलेशन कम हो गई, या फिर अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कोविड की जो सिचुएशन है वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, तो ये भी एक एक्ट ऑफ गॉड है, वैसे कहें तो एक्ट ऑफ चाइना है, बिल्कुल एक्ट ऑफ चाइना भी हम इस कोविड सिचुएशन को कह सकते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि ये जो एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। एंड आगे क्या लिख रखा है कि जब वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहता तो जो भी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अपील पेंडिंग है वहाँ पर किसी भी कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट में उस एरिया में, वो उसी तरह से चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जैसे कि सीजर हुआ ही नहीं है। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस या फिर अल्टर करती है, जो सबसेक्शन 3 में बताया हुआ है उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर देती है मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी को, तो उस अल्ट्रेशन से या फिर रिडक्शन से वो जो एरिया कम कर दिया किसी टाउन का या फिर सिटी का एंड वो मेट्रोपॉलिटन एरिया अब नहीं रहा, तो उसकी वजह से कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अपील जो पेंडिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड वो उसी तरह से चलेंगी जैसे कि रिडक्शन से पहले चल रही थी। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पॉपुलेशन का मतलब यह है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस में पॉपुलेशन फिगर्स जो है पब्लिश किए गए थे। अब जो लास्ट सेंसस है वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था, अब 2021 में होने वाला है। सो आगे के जो सेक्शंस है, सेक्शन 9 से लेकर 25A तक, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए याद करना। सेक्शन जो 9 है और 10 है वो बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सेक्शन 11 से 15 बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 16 से 19 बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में, एंड सेक्शन 20 से 23 बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। एंड जो बाकी सेक्शन रह गए, सेक्शन 24 से 25A, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो अब हम आते हैं सेक्शन 9 पर जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात कर रहा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर जो कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन है। हेड कौन होता है कोर्ट ऑफ सेशन का? भी हमने पढ़ा था कि सेशन जज जो है कोर्ट ऑफ सेशन का हेड होता है, सबसे ऊपर जो जिसकी पावर होती है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीजन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया कि सेशन डिवीजन के लिए ही होंगे कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश। एंड सेशन डिवीजन्स कौन से होते हैं? सेक्शन 7 में अभी हमने देखा कि एक तो सेशन डिवीज़न मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी होगा वो एक सेशन डिवीज़न होगा। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में ये बात प्रोवाइड की गई है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेशन डिवीज़न होता है या नहीं होता, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रैक्टिकली हम देखें तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट होता ही है, पर कुछ बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सेशन डिवीज़न नहीं होते, जिनमें सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइड ओवर बाय ए जज। प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है इन चार्ज ऑफ। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो जज के चार्ज में होगा एंड हाई कोर्ट करेगा उस जज की अपॉइंटमेंट। एंड वो जज होता है वो कौन होता है? सेशन जज। सब सेक्शन 3 का कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन में जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी एक सेशन डिवीज़न का एक सेशन जज जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एडिशनल सेशन जज दूसरी डिवीज़न का। मतलब एक जगह का कोई सेशन जज है वो दूसरी जगह का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। आगे 5th सब क्लोज क्या कह रहा है? जहाँ पे सेशन जज का जो ऑफिस है वो वैकेंट है, खाली है। मतलब मान लीजिए रिटायर हो गए सेशन जज जी हमारे, या फिर कोई और रीज़न है वो जो सेशन जज का जो ऑफिस खाली है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा। वो जो ऑफिस है सेशन जज का वो खाली है, तो मान लीजिए अर्जेंट एप्लीकेशन आ गई, उसके लिए हाई कोर्ट अरेंजमेंट्स करेगा कि उस एप्लीकेशन को कौन देखे, एडिशनल सेशन जज देखे या फिर असिस्टेंट सेशन जज देखे। एंड अगर वहाँ पर कोई भी एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज मौजूद नहीं है तो वहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी हैं जो हमारे, वो उस अर्जेंट एप्लीकेशन को देखेंगे। आगे सब सेक्शन 6 ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरली कहाँ पर बैठेगा, नॉर्मली वो कहाँ बैठेगा? कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ पर हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि इस जगह बैठना है, ओके। पर अगर कहीं पर क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन का ये ओपिनियन है, कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि पार्टीज़ की कन्वीनियंस होगी, पार्टीज़ के लिए सही होगा, विटनेसेस के लिए सही होगा कि अगर और कई जगह कोर्ट ऑफ सेशन बैठ जाए तो वहाँ पर भी कोर्ट ऑफ सेशन बैठ सकता है, वहाँ पर भी कोर्ट ऑफ सेशन हियरिंग कर सकता है। जैसे कि राम रहीम का रिसेंट केस है जहाँ पर जेल में भी सिटिंग हुई थी, तो सिटिंग जो है जहाँ पर कन्वीनियंट हो वो वहाँ पर भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट वर्ड लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है? सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 9 के टू बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट। जो अपॉइंटमेंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या फिर प्रमोशन नहीं है। ऐसी जो अपॉइंटमेंट या फिर पोस्टिंग या फिर प्रमोशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन का ये मतलब है कि जो सेशन जज है वो पहली बार तो अपॉइंट होता नहीं है, तो ये अपॉइंटमेंट जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, वैसी अपॉइंटमेंट जो है, जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है। आगे सेक्शन 10 जो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट सबसेक्शन कह रहा है कि जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। सबऑर्डिनेट का मतलब हैविंग लेसर पावर या फिर हैविंग लेसर अथॉरिटी। असिस्टेंट सेशन जज जो हैं उनकी जो अथॉरिटी है या फिर पावर है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगी, सेशन जज से कम अथॉरिटी है असिस्टेंट सेशन जज के पास। हमने डिस्कस भी किया है जब हमने चार्ट देखा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सेशन जज जो है वो असिस्टेंट सेशन जज को बिजनेस एलोकेट करता रहेगा। थर्ड सबसेक्शन जो ये कह रहा है कि सेशन जज जो है वो प्रोविजंस बना सकता है। किसके प्रोविज़न? अगर सेशन जज मान लीजिए छुट्टी पर है, एब्सेंट है या फिर वो वर्क नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न वहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए प्रोविज़न बना सकता है, वहाँ पर बनाएगा कि अगर वो एब्सेंट हैं अपने ऑफिस से तो वहाँ पर कौन एक्ट करेगा उनकी इनएबिलिटी में। वो जो है एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज होंगे एंड एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पर सेशन जज की एब्सेंस में वर्क करेगा। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसेक्शन 3 में जो बात की गई है एब्सेंस की गई है कि मान लीजिए छुट्टी ले ली सेशन जज ने या फिर कोई और बीमारी हो गई, सेशन जज को बीमार हो गए, पर जो सेक्शन 9 है उसके सबसेक्शन 5 में ये बोला गया था कि अगर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, वैकेंट का मतलब अलग होता है एंड एब्सेंस का मतलब अलग होता है। वैकेंट में हम मान सकते हैं कि रिटायर हो गए, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए वहाँ पर कोई है ही नहीं सेशन जज की पोस्ट पर। एब्सेंस में आप मान सकते हैं कि छुट्टी ले ली, ठीक है, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है। सब्जेक्ट सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 16 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है। सो सेक्शन 11 जिसकी हेडिंग है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश होंगी एंड वो जो कोर्ट्स हैं वो कितनी होंगी और किस प्लेस पर होंगी, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, कितनी भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हो सकती हैं। वैसे प्रैक्टिकली अब हम देखें तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये जो है काफ़ी स्टेट्स में नहीं होते हैं। सीधा मान लीजिए कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करता है, मान लीजिए आप जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो वहाँ पर आपके नाम के आगे लिखा जाएगा JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज। जब आप किसी क्रिमिनल मैटर को देखेंगे तब आपका नाम वहाँ पर होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड जब आप कोई सिविल मैटर देखेंगे तब आपका वहाँ पर नाम होगा सिविल जज। ठीक है, सबसेक्शन 1 हुआ। आगे प्रोवाइडेड एक्ट में क्या दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद एस्टैब्लिश कर सकती है एक या फिर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की। किस पर्पज़ के लिए, एक पर्टिकुलर केस या फिर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को ट्राई करने के लिए। एंड जहाँ पर वो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को देखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस में किसी और कोर्ट की जरिसडिक्शन नहीं होगी और कोई कोर्ट उस स्पेशल क्लास ऑफ केस को ट्राई नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे जो बता रखा है कि पर्टिकुलर केस या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस, ये वो केसेस नहीं है जो स्पेशल लॉज के अंदर आते हैं। ये ध्यान रखिए, आप स्पेशल लॉज में जो केस आते हैं एंड जो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश होते हैं वो सेक्शन 13 के अंदर होते हैं। ये उन केसेस या फिर उन क्लास ऑफ केसेस के लिए बता रखे हैं। कोई मान लीजिए कोई ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग केस आ गया, कोई किस केस में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा है जो स्टेट को लगता है कि ये केस जो है इस पर ज़रूरी ध्यान जाना चाहिए, तो उस एक पर्टिकुलर केस के लिए अलग कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। जो स्पेशल लॉज में, जो पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, इन लॉज में जो कोर्ट लगाए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं, वो सेक्शन 13 में बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट्स एंड सेकंड क्लास की कोर्ट्स हैं, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको बोला जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज को ही बोला जाता है या फिर जो है मजिस्ट्रेट को ही बोला जाता है। जब कोई भी मान लीजिए आप जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, आपका नाम होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज। जब आप कोर्ट में बैठेंगे तो आप जब बैठेंगे तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस कोर्ट का बोला जाएगा। सबसेक्शन 3 का कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो सिविल जज की, यहाँ पे लिख रखा है लास्ट में ए जज इन ए सिविल कोर्ट, जो जज है सिविल कोर्ट में वो सिविल जज होगा। तो जो हाई कोर्ट है वो सिविल जज पर कन्फर कर सकता है, सिविल जज को पावर दे सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की। अभी हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी, कोई अपॉइंट होता है तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी होता है एंड साथ में सिविल जज भी होता है। सेक्शन 12 पर आते हैं जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। कभी भी डायरेक्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई नहीं बन सकता। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है प्रमोशन के बाद बना जाता है। कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, उसका प्रमोशन होगा, वो प्रमोट होने के बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है। आगे सबसेक्शन 2, हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एज ए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड वो जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट होगा उसके पास सभी वो पावर्स होंगी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर्स तो दोनों सेम रखते हैं, पर मैंने एक बात पहले भी बताई कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ACJM जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे सबसेक्शन 3A क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीज़न में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। सब डिवीज़न कहाँ पे पड़ा था, सेक्शन 2 क्लॉज V में सब डिवीज़न की डेफिनेशन दी गई थी। तो सब डिवीज़न को इन जनरल हम तहसील भी बोलते हैं। तो हाई कोर्ट जो है एक सब डिवीज़न में एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न होता है, उस सब डिवीज़न के लिए जो हाई कोर्ट है एक सब डिवीज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। जो सब डिवीज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ना, इसकी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर होती है। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या सेकेंड क्लास होंगे उनसे ऊपर अथॉरिटी होगी सब डिवीज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ये हम सेक्शन 15 में भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे सबऑर्डिनेशन के बारे में बात की गई है। तो आगे इसका सब क्लॉज बी क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जनरल कंट्रोल रहेगा। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है किसी सब डिवीज़न में, उसके पास पावर्स होंगी एंड वो सुपरवाइज करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को, जो दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो कि फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास है, उनको सुपरवाइज करेगा। कौन सुपरवाइज करेगा? सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी सब डिवीज़न में। जिस तरीके से वहाँ पे हाई कोर्ट बाय स्पेशल और बाय जनरल ऑर्डर वहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से सुपरविज़न देना है, वैसे ही सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे सुपरविज़न देगा। आगे है सेक्शन 13 जो कि बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है इफ़ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती हैं हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? किसी भी पर्सन पर जो कि गवर्नमेंट में पोस्ट होल्ड करता है, जिसके पास गवर्नमेंट पोस्ट है, हाई कोर्ट उस पर्सन पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की पावर कन्फर कर सकते हैं। मतलब उस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या फिर सेकेंड क्लास की पावर हाई कोर्ट दे सकता है। किस लिए? एक पर्टिकुलर केस या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस में डील करने के लिए हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को देगा पावर एंड उसको कहेगा कि आप पर्टिकुलर आपका ये केसेस हैं, इनमें आप डील करिएगा। वो जो है पर्टिकुलर केसेस या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस कौन से हो सकते हैं? जो हमारे स्पेशल लॉज हैं उसमें आते हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस, या फिर NDPS हो गया नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, SC ST एक्ट हो गया। इन सभी एक्ट्स के लिए क्या होगा, जो हाई कोर्ट है एक पर्टिकुलर अलग से कोर्ट इस्टेब्लिश कर देगा, एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट इस्टेब्लिश कर देगा जो हाई कोर्ट है। ये सारे केसेस वहाँ जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाकर ये स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, वो केसेस फिर जो है वहाँ पर जाते हैं। तो उन केसेस को देखने के लिए हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो। आगे प्रोवाइडेड डैट में लिख रखा है, प्रोवाइडेड में लिख रखा है कि कोई भी पावर नहीं कन्फर हो सकती, पावर उस पर्सन को नहीं मिलेगी अनलेस ही पॉजेसेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स। अगर लीगल अफेयर्स में उस पर्सन को, जो वो बता रखा है कि गवर्नमेंट की पोस्ट में है जो पर्सन जिस पे पावर कन्फर कर दी, अगर उसको लीगल अफेयर्स में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्सन को, तो वहाँ पर उस पर्सन पर वो पावर कन्फर्म नहीं कर सकते, उस पर्सन को वो पावर नहीं दी जाएगी। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किए गए हैं, वो एक टाइम पर 1 साल से जो ज़्यादा उनका टर्म एक्सीड नहीं कर सकता। आगे सबसेक्शन 3 कह रहा है जो पर्सन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट हुआ है, वहाँ पर उस पर्सन को हाई कोर्ट एम्पावर, हाई कोर्ट वहाँ पर पावर दे सकती है उसको, जो कि एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती है, एक मेट्रोपोलिटन एरिया में। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट से बाहर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पर तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की पावर होती है। पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का कह रहा है कि उन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को हाई कोर्ट एम्पावर कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में भी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जनरली जब एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया, एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें अपॉइंट कर दिया गया, कोई पर्टिकुलर केस को देखने के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया गया, स्पेशल कोर्ट बना दिया गया। अब जो है उसमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस आएंगे, उनकी जो लिमिट होगी वो काफ़ी कम होगी, वो इन नंबर काफ़ी कम होंगे एंड वहाँ पे एक ही तरह के केसेस आएंगे सिर्फ। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया स्पेशल कोर्ट, तो पास ही में कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया पड़ रहा है, तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया में वहाँ स्पेशल कोर्ट उस केसेस को देखने के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करती है, उस कोर्ट की पावर एक्सटेंड कर देती है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, वो इस कोर्ट में आके केस फाइल कर सकता है। इस तरीके से वर्क करता है। आगे है सेक्शन 14 जो कि लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए, हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट्स को, जो दूसरे मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बताएगा, उनको डिफाइन करेगा, डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर। कि जो दूसरे मजिस्ट्रेट हैं, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको ये बता देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि आपका ये लोकल लिमिट है। कि एक कोर्ट को बता दिया कि आपके पास ये 4 पुलिस स्टेशन हैं, दूसरी कोर्ट को बता दिया कि आपके पास ये 6 पुलिस स्टेशन है, तीसरी कोर्ट को बता दिया कि आपके पास ये 5 पुलिस स्टेशन हैं। उनको लोकल लिमिट्स जो है चीफ CJM साहब हमारे बताएंगे। आगे एक बात लिखी गई है कि प्रोवाइडेड एट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्डर सिटिंग एट एनी प्लेस, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स हैं, जो सेक्शन 13 में अभी हमने डिस्कस करा, वो उसी जगह अपनी सिटिंग वहीं पर बैठेंगे जहाँ पर जिस लोकल एरिया में उनको इस्टेब्लिश किया गया है। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि तो जहाँ पर ये नहीं बता रखा कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट्स को ये नहीं बताएगा कि लोकल लिमिट्स क्या होंगी, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की जो जरिसडिक्शन है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट पर उनका जरिसडिक्शन होगा। जहाँ पर किसी मजिस्ट्रेट को ये नहीं बताया कि आपके नीचे 5 पुलिस स्टेशन आते हैं, या फिर दूसरे को ये नहीं बताया आपके नीचे 6 पुलिस स्टेशन आते हैं, तो अगर ये जो है लोकल लिमिट्स नहीं बताई तो मजिस्ट्रेट की जो जुरिसडिक्शन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट की जो जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड करेगी। आगे है सबसेक्शन 3 जो कह रहा है कि लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर, जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं सेक्शन 11 में, 13 में, 18 में, अगर उनका जो जुरिसडिक्शन है वो बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट अगर चला गया, मतलब कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनकी जो जुरिसडिक्शन, उनकी जो अथॉरिटी है, जिस एरिया तक उनकी पावर एक्सटेंड होती है, उस एरिया से बाहर अगर वो कोई फैसला सुना रहे हैं तो वहाँ पर भी जिस एरिया में उन्होंने फैसला सुना है अपनी पावर से बियॉन्ड जाके, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके, तो वहाँ पर भी उनको सेम नाम से ही जाना जाएगा। be construed as reference to the court of session chief judicial magistrate of chief metropolitan magistrate, वहाँ पर भी उनको सेम नाम से ही बोला जाएगा। आगे है सेक्शन 15 जो कि बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। ये सेक्शन कह रहा है कि हर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट होगा सेशन जज के। बिल्कुल सही बात है कि सेशन जज ऊपर होता है, सेशन जज से नीचे अथॉरिटी होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होगा। जो दूसरे, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी पावर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे होगी, पर वहाँ पर भी जनरल कंट्रोल जो है सेशन जज का रहेगा। सबसे ऊपर यहाँ पर सेशन जज और जो भी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज हैं, उनसे नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड उससे नीचे जो बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो आएंगे। आगे सबसेक्शन 2, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम रूल बनाएगा और स्पेशल ऑर्डर्स देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को। जिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की पावर सीजीएम से नीचे है उनके लिए वो रूल्स और उनको स्पेशल ऑर्डर्स देगा एंड उनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपके नीचे ये पुलिस स्टेशन आता है, आपकी लोकल लिमिट ये है, ये सब जो है सीजीएम बताएगा। ये हमारे सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 15 तक हुए, जिसमें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई थी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके बारे में बात की गई थी। आगे है सेक्शन 16 से लेकर जो सेक्शन 19 है उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है। सो इसमें फर्स्ट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है वो आपको सिमिलर लगेगा सेक्शन 11 से, फिर आपको सेक्शन जो 17 है वो सिमिलर लगेगा सेक्शन 12 से, सेक्शन 18 जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो आपको सिमिलर लगेगा सेक्शन 13 से। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ये पार्ट है इसमें बातें लगभग सेम बोली गई हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोली गई थी, बस डिफरेंस जो है एरिया का रहेगा या फिर मजिस्ट्रेट का रहेगा। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स थे। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट एस्टेब्लिश होते हैं उनको कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। सेशन कोर्ट तो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेशन कोर्ट होगा। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट्स के जो कोर्ट होते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, उनको कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने कोर्ट होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जितने स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद नोटिफाई करेगी। सबसेक्शन 2 जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स हैं उनमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कौन अपॉइंट करेंगे, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी। सबसेक्शन 3 जो जुरिसडिक्शन और पावर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसकी पावर से या फिर जुरिसडिक्शन होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है सबसे ऊपर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनसे नीचे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और उनसे नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आगे सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट जो है किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को अपॉइंट कर देगी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकती है किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM, एंड जो ACMM होंगे उनके पास सभी पावर होंगी जो CMM के पास होंगी। बस बात ये होती है कि जो CMM होते हैं वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक ही होते हैं, पर ACMM जो है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो जो है एक एरिया में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड मोस्टली एक से ज़्यादा ही होते हैं। आगे है सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की कहाँ पर बात हुई थी? सेक्शन 13 में हुई थी। सेक्शन 18 सेम बात लगभग जो सेक्शन 13 में थी कि हाई कोर्ट जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट अगर आए तो उस रिक्वेस्ट पर क्या करेगा हाई कोर्ट? किसी एक पर्सन को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स दे देगा, किसी पर्सन पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर कर देगा। वो पर्सन कौन होगा? वो पर्सन होगा हु होल्ड्स, जिस पर्सन ने गवर्नमेंट पोस्ट कभी होल्ड की हो या फिर इस टाइम पे होल्ड कर रहा हो, उस पर्सन पर हाई कोर्ट जो है कन्फर कर देगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर। किस लिए? कि वो एक पर्टिकुलर केस या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस देख सके, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई स्पेशल केसेस आ गए, कोई पर्टिकुलर केस, जैसे कि मैंने पहले बताया स्पेशल लॉ से जो रिलेटेड होते हैं NDPS, POCSO, SC ST, तो उस केस के लिए, उन स्पेशल पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट हो जाएंगे। और प्रोवाइडेड एट नो सच पावर भी कन्फर, और उस पर्सन पर कन्फर नहीं होगी जिसके पास क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं है लीगल अफेयर्स में डील करने का। सब सेक्शन 2 कि उन मजिस्ट्रेट को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा एंड वो जो है अपॉइंट नहीं होंगे 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, एंड जो भी हाई कोर्ट वहाँ पर बताएगा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। सब सेक्शन 3 कि हाई कोर्ट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, किसी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पर ये पावर भी, उसको ये पावर भी दे सकती है कि वो किसी लोकल एरिया में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया से जो बाहर है, वहाँ भी पावर अपनी जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो एक्सरसाइज कर सकता है। वही सिमिलर बात है सेक्शन 13 से रिलेटेड। आगे सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन हमने पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सेक्शन 15 में पढ़ा था, यहाँ पर सेक्शन 19 में है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, ठीक है जी। हमको पता है ये बात, सेशन जज सबसे ऊपर हैं, फिर हैं ये जो सबऑर्डिनेट होंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके सबऑर्डिनेट होंगे, इनसे कम पावर होगी उनकी। और दूसरा कोई भी मजिस्ट्रेट है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो दूसरा है कोई भी, वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होगा। सेकंड सबसेक्शन कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेशन बता देगी ACMM जो है वो CMM के सबऑर्डिनेट हैं या फिर नहीं है एंड कितने एक्सटेंट तक हैं, वो हाई कोर्ट बताएगी। ACMM और CMM की पावर्स में कितना डिफरेंस है वो हाई कोर्ट बताएगी। सबसेक्शन 3 वही बात की CMM जो है वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में CMM जो है वो रूल्स बनाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, जी आपके नीचे ये पुलिस स्टेशन आ रहा है, आपको ये काम आपको सौंपा गया है, आपको ये केसेस देखने हैं। तो इस तरीके के जो CMM जी है हमारे, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रूल्स बनाएंगे। अब आगे जो है सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 23 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात होगी। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मोस्टली जो है IAC होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है किसी IAS को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड वो जो है क्रिमिनल मैटर्स में डील करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कई सारे सेक्शन में दिए हुए हैं CRPC में, जैसे कि सेक्शन 107 से लेकर 110 तक मेंटेनेंस ऑफ पीस के बारे में मेनली बात की गई है। सेक्शन 133, सेक्शन 144, सेक्शन 145, 147, तो कुछ सेक्शंस हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्क करता है, ठीक है। बात है सेक्शन 20 पर। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंड हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट कितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो अलग हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, डिस्ट्रिक्ट जज से। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं सबसे ऊपर जो सेशन जज होते हैं, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है जब वो सिविल मैटर्स देखते हैं, वो जो अलग पर्सन है। पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जज से अलग पर्सन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन? जो DCV बोलते हैं हम जिनको, या फिर DM भी बोलते हैं, जो मेनली सिविल मैटर्स में डील करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, जिसने UPSC क्लियर कर रखा है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उस DM की यहाँ पर बात हो रही है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही होंगे, एक ही होते हैं, हमको पता भी है ये बात। आगे सबसेक्शन 2 जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं सबसेक्शन 1 में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं उनमें से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट एंड वो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास सारी पावर्स होंगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि कहीं पर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जो नया पर्सन आएगा यानी ऑफिसर सक्सीड टेम्परेरली, जो ऑफिसर टेम्परेरी तौर पर आएगा उसके पास सभी पावर्स होंगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी एंड सभी वो जो पावर्स एंड जो ड्यूटीज़ हैं जो टेम्परेरी तौर पर आया है वो पर्सन जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर्स या फिर ड्यूटीज़ दी गई हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है। सबसेक्शन 4 जो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चार्ज दे सकती है किसी सब डिवीज़न का। सब डिवीज़न मतलब कि तहसील का, जो डिस्ट्रिक्ट्स में आगे तहसील होती है, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का चार्ज दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो वो पर्सन जिसको चार्ज वो दिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो वो चार्ज दिया गया सब डिवीज़न का, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। आगे सबसेक्शन 4A, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाय जनरल और बाय स्पेशल ऑर्डर कोई भी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, दे सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। आगे सबसेक्शन 5 की नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रीक्लूड, कि कोई भी चीज़ रोक नहीं रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस पर, पुलिस कमिश्नर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर्म ना कर सके। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 20, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी। इस सेक्शन से हम ये नहीं समझेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स नहीं है कि वो कमिश्नर और पुलिस पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर्म नहीं कर सकती इन रिलेशन टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ठीक है, आगे सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो पहले स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 13, फिर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 18, अब सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कितने भी टर्म के लिए, कितने भी टाइम के लिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या फिर पर्टिकुलर एरिया के लिए। एंड वो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस पर कोई भी पावर कन्फर कर सकती है, उसको कोई भी पावर दे सकती है जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को होती हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। आगे सेक्शन 22 लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर, जो अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वो कौन बताएगा। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे डीएम, जो कलेक्टर साहब हैं, वो डिफाइन करेंगे, वो बताएंगे लोकल लिमिट्स, जिस एरिया में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है पावर एक्सरसाइज कर सकता है इस कोड में। आगे सबसेक्शन 2, अगर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बताते एक्सेप्टेड अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बताया तो जो पावर और जो ज्यूरिसडिक्शन है मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पर एक्सटेंड होगी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पर फिर अपनी पावर का एक्सरसाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है। पहले तो लिख रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बता देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को कि इस एरिया में पर्टिकुलर आपका ये एरिया है, पर अगर वो नहीं बताते तो पूरे एरिया पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अपनी पावर्स को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 15 सबऑर्डिनेशन, फिर सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन, फिर सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन। तो हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर जो सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे, उनकी पावर जो है, उनकी अथॉरिटी जो है कम होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। और हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को छोड़कर किसी सब डिवीज़न में सबऑर्डिनेट होंगे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के। तो सब डिवीज़न में सबसे ऊपर कौन होगा, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, उनसे नीचे आएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एंड सब डिवीज़न को छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सबसे ऊपर उनकी पावर होगी, उनसे सबऑर्डिनेट होंगे सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या, सेम पावर्स होती हैं, पर वही बात आ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा वो एक ही होगा, एडिशनल एडीएम जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सबसेक्शन 2 डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है वो रूल बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को जो कि इसके सबऑर्डिनेट हैं। एंड सेम जो है एडीएम को वो एलोकेट करेगा बिजनेस, ये बताएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि ये केस आपने देखना है, इस जगह आपकी पावर एक्सटेंड हो रही है, ये जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस में आता है। तो ये हमारा सेक्शन 23 हुआ। सो ये सेक्शन 20 से लेकर 23 तक हुए जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की। अब आते हैं सेक्शन 24 पर, जो सेक्शन 24, 25 एंड 25A है, ये प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 24 जो कि बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और भी कोई एग्ज़ाम है उसमें भी सेक्शन 24 से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इसके डायरेक्ट लैंग्वेज पे ना जाते हुए हम पहले जनरली ये देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील को बोलते हैं। ये वो प्रोसिक्यूटर्स या फिर एडवोकेट होते हैं जो स्टेट के लिए लड़ते हैं। देखिए क्या होता है, कहीं भी क्राइम हुआ है तो जिस पर्सन के साथ क्राइम हुआ है ना, तो ये नहीं माना जाता कि सिर्फ उसी पर्सन के साथ क्राइम हुआ है, ये माना जाता है कि वो अगेंस्ट दी स्टेट हुआ है, वो जो क्राइम हुआ है अगेंस्ट दी सोसाइटी हुआ है, अगेंस्ट दी स्टेट हुआ है। कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर रोबरी हो रही है, तो ये माना जाता है कि जो ऑफेंसेज, ये जो क्राइम हो रहा है ना, ये अगेंस्ट दी स्टेट हो रहा है। तो जो भी विक्टिम होता है उनको जो है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड करती है, जो कि होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। कहीं भी किसी के साथ गलत हुआ है, क्राइम हुआ है, तो ये केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, ये प्रूव करने के लिए एक्चुअली में किसने कराया या फिर वो जो क्राइम है हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जिनके साथ रॉन्ग हुआ है उनको स्टेट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड करता है, ट्रायल के लिए, केस लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड करता है। एंड वहाँ पर ये बोला जाता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट की तरफ से या फिर स्टेट के बिहाफ पर केस लड़ रहा है। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी एंड एक या फिर एक से ज़्यादा एडिशनल पीपी जो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी, ताकि वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई प्रोसिक्यूशन, अपील या फिर प्रोसीडिंग देख सकें, कंडक्ट कर सकें। देखिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग यूनियन लिस्ट होती है, उसमें अलग अलग मैटर्स होते हैं। तो उन मैटर्स को देखने के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन लड़ेगा क्रिमिनल केसेस, तो पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट होते हैं। सेकंड सबसेक्शन कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ताकि कोई एक केस देखने के लिए या फिर कोई एक क्लास ऑफ केस देखने के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल एरिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ पर डिस्क्रिशन है उसकी, जरूरी नहीं है। थर्ड सबसेक्शन कह रहा है कि फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जरूर अपॉइंट करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो करेगी ही करेगी स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट, एंड मे एंड उसकी डिस्क्रिशन है कि वो एक या फिर एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है। नॉर्मली या फिर प्रैक्टिकली बोल लीजिए एडिशनल पीपी भी अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोवाइडेड यहाँ पर लिख रखा है कि जो पीपी है या फिर एडिशनल पीपी है वो जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी पीपी या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट हो सकते हैं। कोई एक डिस्ट्रिक्ट का पीपी या फिर एडिशनल पीपी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी पीपी या फिर एडिशनल पीपी बन सकता है। फोर्थ सबसेक्शन का कह रहा है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर या फिर डीएम जिनको बोलते हैं, वो जो हैं सेशन जज के साथ कंसल्टेशन के बाद सेशन जज के साथ सलाह करेंगे वो, एंड वो एक पैनल प्रिपेयर करेंगे एंड उस पैनल में उन पर्सनस का, उन लोगों का नाम डालेंगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए फिट हैं। यहाँ पर किस पर्सनस का नाम आता है, जो एडवोकेट जो है काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में है उनका यहाँ पर पैनल में नाम लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है। मिनिमम यहाँ पर प्रैक्टिस 7 years की चाहिए होती है। आगे सबसेक्शन 5, कोई भी पर्सन पीपी या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक उसका जो नाम है पैनल में नहीं लिखा जाता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट उसको पीपी या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट नहीं करेगी जब तक उसका नाम पैनल में नहीं है, जो कि ऊपर सबसेक्शन 4 में बताया गया, उस पैनल में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन विद द सेशन जज जो प्रिपेयर करता है। सबसेक्शन 6 कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5, मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके होते हुए भी, डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 के होते हुए भी, जहाँ पर किसी स्टेट में कार्डर है जिससे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ही यहाँ पर कहने का मतलब है। कोई ऐसा कार्डर है जिससे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पीपी या फिर एडिशनल पीपी उसी कार्डर में से अपॉइंट करेगी। रेगुलर कार्डर मतलब कि इसमें क्या है, जो हर एक स्टेट में डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एपीयू का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, या फिर एडीए का एग्ज़ाम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो होता है। एपीयू का एग्ज़ाम राजस्थान और यूपी में होता है, एडीए का एग्ज़ाम हरियाणा या फिर पंजाब में होता है। तो एक कार्डर है यहाँ पर, ये जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है ना वही प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनता है। डायरेक्टली इस पोस्ट पर वैसे नहीं आते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है पर्सन जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, फिर जो है उन्हीं में से आगे एडिशनल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं। तो जिस भी स्टेट में ये कार्डर एग्जिस्ट करता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसी कार्डर में से प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो है अपॉइंट करेगी। आगे प्रोवाइडेड में लिख रखा है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन है, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई सुटेबल पर्सन, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उस कार्डर में से चुना जा सके, तो उस टाइम क्या है स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर सकती है पीपी या फिर एडिशनल पीपी, जो सबसेक्शन 4 में जो पैनल अपॉइंट किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा विद कंसल्टेशन विद सेशन जज, जो पैनल प्रिपेयर किया गया था उसमें से फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई कार्डर में से कोई पर्सन सुटेबल नहीं है। आगे एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें बता रखी हैं, रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मतलब बता रखा है। तो कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट इंक्लूड होती है, जिस भी नाम से उसको बुलाया जाए, जैसे कि मैंने बताया कि एपीओ के नाम से बुलाया जाता है या फिर एडीए के नाम से बुलाया जाता है किसी स्टेट्स में। आगे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वो पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन के लिए अपॉइंट किया गया। तो वही कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब वही होता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एपीपीओ या फिर एएसपीपीओ। आगे है सबसेक्शन 7, ये कह रहा है कि जो पर्सन है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में या फिर सबसेक्शन 6 में, तो वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो जो भी पर्सन पीपी या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट होना चाहता है तो उसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए 7 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 7 ईयर से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मैंने अभी बोला कि एपीओ और एडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है वो काइटर वाला, इसमें सबसेक्शन 6 भी बोल रखा है ना कि सबसेक्शन 6 में भी अगर अपॉइंट होता है 7 ईयर्स की जो है एक्सपीरियंस चाहिए, पर जो हम देखते हैं एपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें या फिर एडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा होता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी कोई एपीओ या फिर एडीए का एग्ज़ाम होता है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है या फिर एडीए में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपॉइंट होता है। ये जो है ये हायर पोस्ट है, उससे ये जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है। जो वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो असिस्टेंट अपॉइंट होते हैं हमेशा, वो जो है प्रमोशन के बाद एडिशनल पीपी या फिर पीपी अपॉइंट होते हैं। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 25 पे भी आएंगे, उसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात की गई है। तो सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि अगर पीपी अपॉइंट होना है या फिर एडिशनल पीपी अपॉइंट होना है तो 7 ईयर्स की कम से कम प्रैक्टिस चाहिए। सबसेक्शन 8 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी केस के लिए या फिर क्लास ऑफ केस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है जिसको प्रैक्टिस करते हुए एज एन एडवोकेट 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हो। तो जो कोर्ट्स अपॉइंट होती हैं जो कि स्पेशल केसेस को देखती हैं या फिर क्लास ऑफ केसेस को देखती हैं, उनके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए एटलीस्ट 10 ईयर्स का टाइम हो गया हो, प्रोवाइडेड इसमें लिख रखा है कि जो विक्टिम है, विक्टिम की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 2 WA में विक्टिम का मतलब बता रखा है कि जिसके साथ रोंग हुआ, जिसने लॉस या फिर इंजरी सफ़र करी हो या फिर उसके गार्डियन या फिर लीगल एयर्स विक्टिम में आते हैं। तो वो जो विक्टिम है वो अपनी चॉइस का भी एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करवाती है विक्टिम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पर वो जो उसकी मर्जी होती है विक्टिम की कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना लेके प्राइवेट जो अपना एडवोकेट है वो भी हायर कर सकता है। सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है? तो ये सबसेक्शन कह रहा है कि जिस पीरियड के लिए कोई पर्सन एज ए प्लीडर प्रैक्टिस कर रहा होता है, प्लीडर वो पर्सन होता है जो सिविल केसेस में गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ता है, वो सिविल केसेस में होता है जो प्लीडर होता है। तो जो भी प्लीडर है, जो भी पीपी है, जो एडिशनल पीपी है या फिर असिस्टेंट पीपी है या फिर कोई और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, जिस भी नाम जो भी उसका नाम है, तो जब वो पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है एज ए प्लीडर, एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज ए एडिशनल पीपी या फिर असिस्टेंट पीपी, तो उस पर्सन को ये बोला जाएगा कि वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है। ये सबसेक्शन क्यों लेके आया गया है? क्योंकि एडीजे का जो एग्ज़ाम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो कोई मान लीजिए असिस्टेंट पीपी बन गया आज 25 साल की उम्र में, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसको 35 साल की उम्र में हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, एडीजे का जो एग्ज़ाम देना है, उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो जब असिस्टेंट पीपी है, अगर ये नहीं माना गया कि वो प्रैक्टिस कर रहा है एज एन एडवोकेट, तो वो एडीजे का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, उसी के लिए सबसेक्शन 9 लेके आया गया है। तो आगे सेक्शन 25 जो कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी, शैल अपॉइंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या फिर एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ताकि वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में कंडक्ट कर सके प्रोसिक्यूशन। मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उनके लिए असिस्टेंट पीपी अपॉइंट होते हैं। जो भी वहाँ पर विक्टिम आता है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, उनके लिए जो असिस्टेंट पीपी हैं कंडक्ट करते हैं प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 1A सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है एक या फिर एक से ज़्यादा असिस्टेंट पीपी किसी केस को या फिर क्लास ऑफ केस को देखने के लिए। सबसेक्शन 2 कोई भी पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता, पर आगे सबसेक्शन 3 में ये भी बोला गया कि वे नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अवेलेबल, जहाँ पर असिस्टेंट पीपी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है किसी केस को देखने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को, किसी पुलिस ऑफिसर को एज एन एडिशनल पीपी किसी केस को देखने के लिए, प्रोवाइडेड डैट पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी अपॉइंटेड। वो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन एडिशनल पीपी जिसने उस केस में इन्वेस्टिगेशन की हो। तो जिस केस में पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है उस केस का वो जो पुलिस ऑफिसर है वो असिस्टेंट पीपी नहीं बन सकता। बी, वो जो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 25A पर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करेगी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड डिप्टी डायरेक्टर होंगे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे। सेकेंड सबसेक्शन, जो पर्सन जो एलिजिबल हो सकता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए, उसने जो है प्रैक्टिस की होनी चाहिए 10 साल से ज़्यादा। वही अपॉइंट हो सकता है जिसने 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो एज एन एडवोकेट। एंड वो जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, वो विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की गई हो, मतलब उनकी सहमति के साथ उनकी अपॉइंटमेंट की गई हो। सबसेक्शन 3 जो हेड है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, वो कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि जो होम डिपार्टमेंट होता है स्टेट का उसके अंडर फंक्शन करेगा। सबसेक्शन 4, हर जो डिप्टी डायरेक्टर होगा प्रोसिक्यूशन का वो सबॉर्डिनेट होगा, उसकी पावर कम होगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। तो ये जो डिप्टी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर होते हैं प्रोसिक्यूशन के, ये कौन पर्सन बनते हैं? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो जो है प्रमोशन के बाद एज एन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होते हैं। आगे सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे, एडिशनल पीपी होंगे या फिर स्पेशल पीपी होंगे, वो जो सबॉर्डिनेट होंगे उनकी पावर कम होगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। एंड सबसेक्शन 6 कह रहा है कि जो भी पीपी होंगे, एडिशनल पीपी होंगे, स्पेशल पीपी होंगे, जो कि सेक्शन 24 में अपॉइंट किए गए हैं। एंड जो सेक्शन 25 में असिस्टेंट पीपी हमने देखे, वो जो अपॉइंट किए गए हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे, उनकी पावर कम होगी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। सबसेक्शन 8 कह रहा है कि जो पावर्स या फिर फंक्शन होंगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, एंड वो जिस एरिया के लिए अपॉइंट किए जाएंगे वो बताएगी स्टेट गवर्नमेंट, वो नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। आगे सबसेक्शन 8 कह रहा है कि जो भी प्रोविजंस है इस सेक्शन के, सेक्शन 25A में जो भी लिखा हुआ है, वो अप्लाई नहीं होंगे एडवोकेट जनरल पर, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एडवोकेट जनरल कौन होता है? किसी भी स्टेट में सबसे जो सीनियर ऑफिसर होता है लॉ का, वो एडवोकेट जनरल होता है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एडवोकेट जनरल जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो जो है सबॉर्डिनेट नहीं होगी, उसकी पावर कम नहीं हो जाएगी वहाँ पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से या फिर डिप्टी डायरेक्टर से, उससे पावर कम नहीं हो जाएगी, वो ये सबसेक्शन 8 कह रहा है। तो ये हमारा सेक्शन 25A भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जो भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई डाउट रहता है एंड कुछ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए यही था। That was it for today. Have a nice day.